हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ आज गांधी वाटरफॉल। गाइस, आपने गांधी वाटरफॉल का नाम सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बतला दूं गांधी वाटरफॉल कहाँ है। गाइस, गांधी वाटरफॉल लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और कुड़ू से 13 किलोमीटर। आपको कुड़ू से चंदवा वाले रास्ते में सीधे जाना है 6 किलोमीटर आगे, उसके बाद आपको राइट मोड़ जाना है, वहाँ से 7 किलोमीटर आप पहुँच जाओगे गांधी वाटरफॉल। गाइस, तो मैं गांधी वाटरफॉल पहुँचने वाला हूँ। चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। गाइस, तो फाइनली मैं गांधी वाटरफॉल पहुंच चुका हूं और चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूं गांधी वाटरफॉल कैसा है। मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता ये रास्ते को देख करके कि ये रास्ता फॉल के पास जाने का है, क्योंकि नीचे पूरा चट्टान है और चट्टान आप लोग पता है जब बारिश होती है तो कितना स्लिप करता है, बट अभी बारिश नहीं हुई है तो मैं अभी यहीं सुधरने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग देख सकते हो वीडियो थोड़ा सेक हो रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ना ही तो मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है, ना ही मेरे पास ट्राइपॉड है, ना ही मेरे पास गिम्बल है। क्या करूँ गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक मैं 30 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ बट मुझे रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप लोग मुझे जब तक नहीं बतलाओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोगों को पता होगा गाइस, किसी को भी ना खुद की गलतियाँ नज़र नहीं आती हैं जब तक कि कोई सामने वाला ना बतलाओ। गाइस, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे आप लोग कॉमेंट करके बतलाओगे। गाइस, आप लोग देख सकते हो चट्टान, दिखने में तो कुछ नहीं लग रहा है बट आप कभी रियल में आओगे ना यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि सूखा हुआ चट्टान भी कितना स्लिप करता है। मुझे लगता है अभी रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा क्योंकि इतना सेक हो रहा है ना, आप लोग देख सकते हो इधर उधर। नीचे जाने के बाद ही मैं रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा। गाइस, तो फाइनली मैं अच्छे से नीचे उतर चुका हूँ और चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ गांधी वाटरफॉल। अगर आपको गांधी वाटरफॉल अच्छा लगे तो आप आ सकते हो। गाइस, आप लोग मुझे एक बात बताओ, वो सामने आप लोग देख रहे हो 2-3 के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको क्या जरूरत है वहाँ ऊपर जाने की। वो लोग यहाँ नीचे से भी अच्छे से देख सकते हैं, साइड से भी अच्छे से देख सकते हैं, बट मुझे एक बात समझ में आता है, लोग अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब क्यों इतना काबिल समझते हैं, मुझे तो कुछ समझ में आता है। क्यों नहीं समझते कि लाइफ इतनी कीमती है। आप लोग देख सकते हो नीचे कितना गड्ढा है जहाँ पानी गिर रहा है, और आप लोग ऊपर तो देखो फ्रेंड्स एक बार, वो कैसे बैठा हुआ है। बाय चांस वो नीचे का गिर गया तो समझ रहे हो ना क्या होगा उसका। और मान के चलिए एम्बुलेंस पर अगर यहाँ बुलाओगे ना, 15 मिनट में एम्बुलेंस आ भी गया, आपकी बॉडी ना उठा के यहाँ से लेने में ही आपको घंटों बीत जाएगी। बताओ, चट्टान देख रहे हो ना कैसा रास्ता था, कैसा चट्टान था। गाइस, अब इनको देखो, मैडम को देखो कहाँ बैठ के इनका फोटो सेशन चल रहा है। मतलब क्यों नहीं समझते, नहीं मेरे को कुछ नहीं बोलना, ओके मैं अभी कुछ बोलूँगा ही नहीं। पता है आपको आजकल किसी को आप बोलने के लिए जाओगे ना, कुछ अच्छा सजेशन भी दोगे ना, तो आपको उल्टा 2-4 सुना के निकल जाएंगे बट आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ऐसे हैं आजकल के लोग। गाइस, आप लोग अभी फॉल के ऊपर देखना ध्यान से, एक स्नेक गिरता है बता रहा हूँ। मैं अचानक से देखता हूँ कैमरा उस टाइम बंद रहता है फ़ोन का, फटाक से ऑन करता हूँ, जूम करता हूँ और आप लोग देख सकते हो अभी स्नेक, मतलब बहुत डेंजर स्नेक था। फॉल के ऊपर से गिरा, पूरा नीचे नहीं गिरा, आधा दूरी गिरा, पता नहीं पूरा बैलेंस बनाया और फिर अभी पत्थर में घुस जाता है। मैं तो देखा और मेरे को अजीब लग रहा था एकदम। गाइस, तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और आपको ये प्लेस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, और मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई या मैंने कुछ गलत कह दिया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बतला देना। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।